हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रंजन सर यूट्यूब चैनल। और डियर, आज हम आपके लिए लेकर आए एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो डियर, आज इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं स्पोर्टिंग एरर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आपके 2012 के पेपर में पूछे गए थे। डियर, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले और ये सारे क्वेश्चन जो हम डील करेंगे उसके पहले आप एक बार ध्यान से सुन लें ज़रा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर करते, वेदर यू आर सॉल्विंग स्पोर्टिंग एरर और सॉरी वेदर यू आर सॉल्विंग इंग्लिश पेपर, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, विच एवर सब्जेक्ट यू आर सॉल्विंग, ये बात हमेशा याद रखेंगे कि क्वेश्चन करने से पहले आप उसका इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि थोड़ा उनको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो पढ़ के आया हूँ, अपने कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ये बात आज के बाद कभी भी आप चाहे घर पे ही प्रीवियस ईयर पे बना रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से फॉलो करें। इंस्ट्रक्शन से कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेगा, 12 सेकंड लगेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने में। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें क्योंकि कुछ पैटर्न ऐसा होता है कि हम घर पर कुछ और बना के जाते हैं और एग्जाम हॉल में और कुछ और कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दीज क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेज हैव एरर्स एंड सम हैव नन, किसी पार्ट में आपका एरर है और किसी पार्ट में एरर नहीं है। Find out which part of sentence has an error and mark that letter A, B, C or D as your answer. If there is no error, then mark E as your answer. तो डियर, एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर पेपर और बहुत पैटर्न अब चेंज हो चुका है, स्पोर्टिंग एरर के भी बहुत पैटर्न चेंज हो चुके हैं। तो जो सारे नए क्वेश्चंस होंगे उसी तरीके से मैं आपको बाद में धीरे धीरे कराता चलूंगा। तो अभी देखते हैं कि 2012 वाले में किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चंस आपका है कि मंगल पांडे वॉज वेल नोन because he was involved in the initial stage of the Indian rebellion. अब डियर, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, थोड़ा ये SSC से टफ होता है। रीजन बिहाइंड कि वहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। इसलिए मैंने बताया था कि आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, मैंने इसलिए थंबनेल में भी लिखा है कि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो डियर, यहाँ पे जब आप देखना शुरू करेंगे तो हम करते हैं मंगल पांडे वॉज, इस जरा वॉज को गौर करें, वेल नोन, उनको जाना जाता था। अब जरा कॉन्सेप्ट आप भिड़ाए, अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, जाना जाता था या जाना जाता है। अब ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में ही है, चलो सही है, ही वॉज इन्वॉल्व, चूंकि वो इन्वॉल्व थे इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज में वो इन्वॉल्व थे, लेकिन इस कारण से उनको जाना जाता था कि जाना जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप अपने से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वॉज ना हो करके यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इज, इस वॉज के जगह पे करना पड़ेगा क्या, इज। रीजन बिहाइंड कि मंगल पांडे इज वेल नोन, उनको जाना जाता है क्योंकि ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द इंडियन रेवेलियन। तो अब समझ में आया कि आपको यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, जो बैंकिंग वाले एग्जाम होते हैं वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड रेयरली आपको मिल जाए, अदरवाइज आपको वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलता है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि यहाँ अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के अनुसार ये सही है, मंगल पांडे वॉज वेल नोन बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द इंडियन रेवेलियन, ठीक है, स्टेजेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे जब तक हम इसका मीनिंग फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इज वेल नोन होना चाहिए चूंकि अभी के बारे में बोला जा रहा है कि मंगल पांडे को आज भी जाना जाता है। चलिए डियर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशंस स्टिल लिव्स इन इट्स विलेजेस एंड दस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डियर, इसमें अगर हम फाइंड आउट करें तो ज़्यादातर जो आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन बैंकिंग वाले में, यहाँ पे आप वर्ब, सब्जेक्ट, इन सारों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो उसके अनुसार आपको वर्ब नहीं मिलेगा, पता नहीं चलेगा कि आखिर वर्ब कहाँ है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, सबसे पहले आप वर्ब फाइंड आउट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे आप, अपना वर्ब को फाइंड आउट कीजिए। देन आप ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि ये जो वर्ब आया है ये किस रिगार्डिंग आया है, ये किसके लिए आया है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है। पहले सब्जेक्ट आप मत ढूंढिए, पहले आप वर्ब ढूंढिए, देन फाइंड आउट द सब्जेक्ट, तब आपको पता चलेगा कि अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, अगर ये प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होना चाहिए। अब इस लिप्स को जरा देखा जाए कि लिप्स को जब आप देखते हैं तो ये पता करते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशंस लिखा हुआ है ना कि पॉपुलेशन लिखा हुआ है। आप देखेंगे जब पॉपुलेशन लिखा हुआ है तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिप्स होना चाहिए या लिव होना चाहिए।
डियर आग, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे तो वहाँ पे दो तरह के वर्ब होते हैं, एक वी वन और दूसरा होता है वी फाइव। ये हमारा प्लुरल होता है और ये हमारा सिंगुलर होता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और ये हमारा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कहाँ पे यहाँ पे लिप्स का प्रॉब्लम है, लिप्स को करना पड़ेगा लीव। डियर, एक एरर इस सेंटेंस में और भी है और मैं चाहूँगा कि आप उसको फाइंड आउट करके हमें ज़रूर बताएं कि और दूसरी गलती क्या है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैथरीन्स ग्रैंड मदर, मतलब आप देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशन बताया गया है कि कैथरीन्स के ग्रैंड सॉरी फादर नॉट मदर कैथरीन्स ग्रैंड फादर ऑलवेज लोस्ट हिज बैलेंस वाइल वॉकिंग एंड वुड बी फाउंड फॉलन ऑन द रोड। मतलब अब देखेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि लोस्ट, मतलब पास्ट टेंस में बोल रहा है कि हमेशा वो अपना बैलेंस टहलते हुए खो जाया करते थे। एंड वुड बी फाउंड फॉलन, वुड बी फाउंड का मतलब यहाँ पे क्या है, मिलेंगे, तो ऐसा यहाँ पे मीनिंग बिल्कुल नहीं। मतलब वो लोस्ट हो जाया करते थे, वो अपना बैलेंस हमेशा लोस्ट कर जाया करते थे, खो दिया करते थे। इस कारण से एक दिन एंड हैड बीन फाउंड, यहाँ जो वुड बी लिखा हुआ है डियर, यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो यहाँ भी एक्चुअली वुड भी पास्ट टेंस में, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वुड क्यों नहीं होगा। अब वुड बोल रहा है कि वुड बी फाउंड, मतलब एक तो यहाँ पे पास्ट टेंस है कि लोस्ट हो गया, तो यहाँ पे पास्ट टेंस ना होके पास्ट ऑफ पास्ट होगा। पास्ट ऑफ पास्ट हम किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं पास्ट परफेक्ट को। अगर हमें पास्ट ऑफ पास्ट बताना पड़ता है तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट को। मतलब कहने का हुआ कि जब आप हैड प्लस वी थ्री यूज करते हैं तो ये हमें बताता है पास्ट ऑफ पास्ट के लिए। तो यहाँ पे होगा एंड हैड बीन फाउंड, चूंकि पैसिव वॉइस में है, एंड हैड बीन फाउंड फॉलन ऑन द रोड, मतलब एक्चुअली वो खो जाया करते थे अपना बैलेंस, इस कारण से आज वो कहाँ मिले, रोड पे गिरे हुए मिले थे। तो यहाँ पे वुड बी फाउंड की जगह क्या होना चाहिए, हैड बीन फाउंड, जो पास्ट ऑफ पास्ट होगा, तो यहाँ होगा हैड बीन फाउंड फॉलन ऑन द रोड। नेक्स्ट चलते हैं डियर, नंबर चार पे, हर डॉक्टर वॉज अनॉयड बिकॉज शी इग्नोर हर हेल्प एंड इवन आफ्टर बींग हॉस्पिटलाइज ट्वाइस। उसके डॉक्टर थे जो उनसे अनवाइड थे बिकॉज शी, अब देखें शी और इधर है इग्नोर। डियर, अब आप इग्नोर को अगर आप देखेंगे कि इग्नोर जो आया है इसका सब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर है या शी है, तो यहाँ पे अब सीधा सीधा ये मिल रहा है हमें कि शी इग्नोर। अब डियर देखेंगे, अगर मैं सब्जेक्ट शी रखूँ तो अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो यहां पे होना चाहिए था इग्नोर्स, क्या होना चाहिए था, इग्नोर्स। लेकिन अब देखें कि चूंकि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है और शी के साथ यहाँ पे इग्नोर्स भी नहीं लगा है, तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत हो गई कि हमें जब एक मेन क्लॉज आपका पास्ट में होता है, ध्यान से सुनेंगे जरा, मेन क्लॉज अगर पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहाँ होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें ये मिला कि जब इग्नोर हमने ढूंढा तो इसका हमने सब्जेक्ट ढूंढा शी, तो ये सी के अकॉर्डिंग भी नहीं है। सबसे पहले अगर प्रेजेंट में ही बात कर लेंगे हम तो शी के साथ इग्नोर्स होना चाहिए था, चूंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज हमारा पास्ट में है तो ये इग्नोर्स ना हो करके इसे हमें क्या करना पड़ेगा डियर, इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। अब सेंटेंस पढ़ेंगे, हर डॉक्टर वॉज इन अनॉयड बिकॉज शी इग्नोर्ड हर हेल्थ आफ्टर बींग हॉस्पिटलाइज ट्वाइस, मतलब दो बार हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी वो इग्नोर अपनी हेल्थ को करती रही। अगला है डियर हमारा, राघव वॉज वरी अबाउट टेलिंग हिज पेरेंट्स डैट ही वॉन्टेड टू मूव आउट एंड लिव इंडिपेंडेंटली। अब देखेंगे इसमें फाइंड आउट एरर हम करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखते हैं, राघव वॉज वरी अबाउट टेलिंग हिज पेरेंट्स डैट ही वॉन्टेड टू मूव आउट एंड लिव इंडिपेंडेंटली। तो डियर, जब आप इस सेंटेंस को बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, फिर भी आई थिंक कि आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एस एस सी से बिल्कुल अलग एरर आपको मिलता है। डियर, ये जरा हम सुने कि राघव वाज, अगर डियर हमें एक टेंस सॉरी इंग्लिश में एक चीज़ याद रखना आपको कि ये जो वर्ब टू बी होता है ना, आपने पढ़ा होगा वर्ब टू बी, अगर आप हमारी वीडियोज देखते तो मैं ये हमेशा चीज़ें बताते रहता हूँ कि वर्ब टू बी किसको कहते हैं। वर्ब टू बी कहते हैं हम एमिज आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में। तो डियर, अगर कभी वर्ब टू बी सेंटेंस में आया है तो इसके बाद अगर वर्ब फॉर्म लिखना होगा तो वो हमारा वी थ्री फॉर्म में होगा और डैट बिकम्स पैसिव वॉइस। वो क्या होता है कि जब हम इसके बाद वी थ्री डालते हैं तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बन जाता है।
अब जरा इस वरी को गौर करेंगे। वरी हमारा क्या है? WORRY, पढ़ने के बार बार भी आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी कि वरी क्या है। डियर, वरी हमारा V1 है, जैसे हम बोलते हैं ना डोंट वरी, तो डोंट के बाद हम क्या लिखते हैं? डोंट, और डज नॉट के बाद हम V1 फॉर्म लिखते हैं। तो डू नॉट वरी लिखें या डज नॉट वरी लिखें, तो यहाँ पे वरी हमारा V1 है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब टू बी सेंटेंस में है तो वर्ब उसके साथ कैसा आना चाहिए? V3 आना चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पे जो हमारा वरी है इसके जगह पे होना चाहिए था क्या? डोंट वरीड। राघव वॉज वरीड अबाउट टेलिंग हिज पेरेंट्स डैट ही वॉन्टेड टू मूव आउट एंड लिव इंडिपेंडेंटली। तो डियर देखें, यहाँ पे जो बैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ कि बैंकिंग के क्वेश्चन जरा हटके होंगे आपको, बिल्कुल आपका ब्रेन, आपका बिल्कुल ग्रामर चेक होता है यहाँ पे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रेयरली आपको शायद मिल जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया कि वरीड क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले वर्ब टू बी लगा था, वर्ब टू बी के बाद अगर वर्ब डालना हो मेन वर्ब, तो हमेशा वो किस फॉर्म में आएगा? वी थी। तो याद कर लें इसको कि एम इज आर और वाज वर के बाद अगर हमें वर्ब डालना है, तो अगर हम बात करें एक्टिव में, तो एक्टिव में आप V4 डालते हैं, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, लाइक ही वॉज गोइंग टू स्कूल एंड ही इज गोइंग टू स्कूल। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे ना, या तो V4 होगा या V3 होगा, V1 का तो कोई चांस ही नहीं है कि अगर हम वर्ब टू बी लिख दें और उसके बाद V1 लिख दें, तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि वरीड होगा। और कुछ भी डाउट हो डियर तो आप कमेंट जरूर करेंगे। सारी सीरीज जैसा मैंने आपको शेड्यूल बताया था उसी तरीके से कंटिन्यू मैं करने वाला हूँ। आई होप डियर वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डियर और सारे कंटेंट के लिए, इंग्लिश कंटेंट के लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.englishgurulive.com पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, और मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।